कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आज मैं ये जो रिकॉर्ड हीट पंप है इसका एक रिव्यू करने वाला हूं, और रिव्यू के साथ साथ मैं इसमें टेक्निकल डिस्कशन और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस हम आपको वीडियो के जरिए सारा चीज़ें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो ये यूनिट देख रहे हैं, ये दिखने में थोड़ा हाइट ज़्यादा है बट ये जो मॉडल है ये है 200 लीटर का हीट पंप, जो ब्रांड है वो रिकॉर्ड है। और ये जो दूसरा यूनिट देख रहे हैं आप, ये है 300 लीटर का मॉडल है ये, और ये भी रिकॉर्ड का मॉडल है। तो इसमें बेसिकली तीन मॉडल आता है, 150, 200 और 300 का। तो सबसे पहला जो मैं इन दोनों के बीच में कंपेयरिंग आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हीट पंप है 200 लीटर का, इसमें 200 लीटर का स्टोरेज होता है। कई कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है कि हीट पंप होता कैसे है, क्या दिखता है, कोई छोटा पंप है क्या? नहीं, ये इसको हम लोग हीट पंप बोलते हैं। ये देख रहे हैं ये मॉडल, इसके अंदर वाटर स्टोर होता है। जो 200 लीटर कैपेसिटी या 200 लीटर कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो वो स्टोरेज इसके अंदर होता है, पानी इसके अंदर गर्म होता है पानी। अगर आपको ये सिग्नल दिखता हो तो ये रेड है, यानी यहाँ से पानी आउट होता है आपके वॉशरूम के लिए, और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब ये ब्लू है, इसका मतलब ये आपका जो पानी है ये इनपुट लाइन होता है इसके अंदर। और ये इस हीट पंप के साथ एक यूनिट आउटडोर होता है, ये देखिए ये है आउटडोर, मैंने इसको ओपन नहीं किया है बट ये आउटडोर होता है। इस आउटडोर और ये कॉपर, ये जो पाइप देख रहे हैं इसके बीच में, जैसे एसी में हमारा स्प्लिट और आउटडोर के बीच में कॉपर पाइप से कनेक्टेड होता है, सेम इसमें भी कनेक्शन होता है और कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। अच्छा, ये फंक्शन कैसे करता है? तो जो आउटडोर का काम है, ये बेसिकली आउटडोर का ये काम है कि बाहर से गर्म हवा को खींचना, वेदर से गर्म हवा खींच के और जो हीट को है डेवलप करना, जो इसका सीओपी होता है बेसिकली हीट पंप का। अगर आप लोग सुनते होंगे कि इसे क्यों लगाया जाता है तो ये पावर सेविंग सिस्टम होता है। पावर सेविंग सिस्टम बोले तो जितना ये इनपुट पावर लेता है उसका 4 गुना ज्यादा, यानी 4 गुना ज्यादा उससे ये भी मल्टीप्लाई करके देता है। तो अगर ये हमारा सपोज यूनिट 650 वाट, ओनली 650 वाट लेता है तो हमें 2600-2800 वाट में डेवलप करके ये देता है, यानी हाफ, मतलब कहा जाए तो 1 किलो वाट से भी कम लेता है और आउटपुट हमें 2.5 किलो वाट का देता है। तो इसलिए हीट पंप लोग लगाते ज्यादा था। तो सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी किया जाता है। ये आउटडोर का काम होता है गर्म हवा खींचना और उसे कॉपर के द्वारा, कॉपर पाइप के द्वारा इसमें सप्लाई करना। इसके अंदर जो कंटेनर है उस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से पानी गर्म होने लगता है। एक तो ये बात हुई। अब क्या है, ये जो एटमोस्फेरिक गर्म होता है, जो बाहर से वेदर से गर्म करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 55 डिग्री तक कर सकते हैं। और इससे अगर ज्यादा हमें गर्म करना हो पानी तो इस यूनिट के अंदर एलिमेंट लगा हुआ है 2 किलोवाट का। तो अगर आपको 55 से लेकर अगर 75 तक जाना हो गर्म को, तो उसमें आप जैसे आप रिमोट पे, जो ये रिमोट है ये, इसके ऊपर आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका 75 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा इसमें। तो ये है बेसिकली कंसर्न इसका वर्क करने का। अच्छा, मैं डिफरेंस ये दिखाना चाहता हूँ, ये 200 लीटर 300 लीटर में डिफरेंस क्या है। 300 लीटर का जो फ्लो रेट है वो है 101, 101 लीटर पर आवर गर्म करने का कैपेसिटी है। 300 लीटर में दो एलिमेंट लगे हुए हैं, एक 1 किलोवाट का और एक 1.5 किलोवाट का, टोटल 2.5 किलोवाट का इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 किलोवाट का एलिमेंट लगा हुआ, सिंगल एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट लगे हुए हैं। और जो 200 लीटर का फ्लो रेट है वो है करीबन 111 लीटर का फ्लो रेट है एक घंटे में। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कैपेसिटी थोड़ा छोटा है इसलिए फास्ट गर्म हो जाता है जल्दी, और उसका कैपेसिटी बड़ा है तो थोड़ा 101 लीटर का उसका फ्लो रेट है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। अच्छा, और अगर हम इसमें बात करें तो जो डिफरेंस है मॉडल में, क्या डिफरेंस है, आप इस ये 200 लीटर में आप देखते होंगे ये सिर्फ एक रिमोट लगा हुआ है। इस रिमोट का काम है टेम्परेचर अप एंड डाउन करना, स्टार्ट करना, कोई भी एरर आएगा तो इस पे शो करेगा। और इसमें आप देखेंगे ये बॉडी पे ही इनबिल्ट है, 300 लीटर में बॉडी पे इनबिल्ट है। ये रोटरी सिस्टम है इसके अंदर, ये मोड का ऑप्शन है और स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो इसमें आप उसके ऊपर ही फंक्शनिंग करना है। बट इसके अंदर आप ये करीबन मान के चलिए 4-5 मीटर का वायर है जो आप कहीं एक सेफर साइड एरिया में ले जा सके और वहां सेट कर सकते हैं ताकि इसको अच्छे से आप ऑपरेट कर सकें यूनिट को। तो ओवरऑल ये है बेसिकली। अच्छा, हीट पंप का जो बेसिक फंक्शन है हमने वो तो बता दिया, इसका पावर सेविंग कैसे होता है। अगर आपके घर में कोई गीजर लगा हुआ है तो एक गीजर अगर 25 लीटर का है तो उसका जो कैपेसिटी है पावर लेने का वो 3 किलोवाट एक बार मिलेगा वो आपसे, यानी 3 यूनिट कंज्यूम करेगा एक बार 25 लीटर को गर्म करने में। ऐसे अगर कोई 5 गीजर लगे हुए आपके यहाँ तो 15 वाट लेगा अगर एक साइकिल भी आपके घर में यूज होता है तो। लेकिन हीट पंप में क्या है कि ये 200 लीटर आपका मात्र 6 यूनिट में, 5 से 6 यूनिट में
पूरे 200 लीटर गर्म करेगा और 6 से 8 यूनिट में पूरा 300 लीटर पानी गर्म करेगा। तो ये है गर्म करने का कैपेसिटी, और पावर सेविंग बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इसलिए आज के रेट में जितने भी बिल्डिंगें डिजाइन हो रही है, जितने भी बिल्डिंगें बन रही है, सब में ज्यादा से ज्यादा हीट पंप का प्रोविजन हो रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें इंस्टॉलेशन का बहुत इजी प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन में क्या होता है, ये आपका जो कोल्ड लाइन है, जो वाटर टैंक से लाइन आएगा, ये आपका इनपुट में आ जाएगा। क्लोज कीजिए, दिखा दीजिए, ये इनपुट में आ जाएगा। यहाँ के अलावे आपका ये हो गया आउटपुट। तो इसमें सबसे पहले जो वाटर टैंक से लाइन आएगा, ये इसमें आ जाएगा, और जो आपके वॉशरूम के लिए लाइन जा रहा है, ये हो गया आउटपुट, तो इस पे चला जाएगा। और ये एक दो पॉइंट और है जिसमें इसमें सेफ्टी वॉल लग जाता है, ताकि इसके अंदर कभी ओवर हीट हो जाए या ऐसा कोई स्टीम जनरेट हो जाए इसके अंदर, तो सेफ्टी वॉल का काम होता है, ये ऑटोमेटिकली पानी को